गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। इस समय मेरे हस्बैंड बेटी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक्चुअली सैटरडे नाइट को उसको थोड़ा पेट दर्द हो गया था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ का बता रही थी। तो हमने डिसाइड किया था कि मंडे को हम डॉक्टर से मिलकर जो भी टेस्ट नेसेसरी टेस्ट्स हैं वो सारे टेस्ट्स हम करवा लेंगे। तो डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट लिखे हैं, तो वो करवाने के लिए हम इस समय यहाँ पर बैठे हैं, जिस जगह पे आप देख रहे हैं। यहाँ बेटी का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे होना है, और दूसरे जगह ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होना है। डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ ओके, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, बट सैटरडे नाइट को जिस तरह का पेट दर्द इसको हुआ वो हमको थोड़ा सा हैरानी में डाल गया। इनफैक्ट हस्बैंड भी मेरे थोड़े से टेंशन में आ गए। तो डॉक्टर एक्चुअली ये जो टेस्ट करवा रहे हैं हमारी संतुष्टि के लिए है, और इनफैक्ट ये अल्ट्रासाउंड जब हमने करवाया तो उस टाइम पर जो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने भी कहा कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो सारे टेस्ट हो गए हैं, इस समय हम घर के लिए निकल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हाथ की रिक्शा है, और मेरी बेटी इस पे कभी बैठी नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम इससे घर जाएंगे। इनफैक्ट मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है इस तरह से बाहर घूमना, स्पेशली ऑटो में, साइकिल में। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी, पापा आपको मज़ा आया? ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारे घर की ही है गाड़ी, मेरी सिस्टर इन लॉ की गाड़ी है जो उन्हें बेचनी है। तो बेचने से पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि भाई आप इस गाड़ी पे अपना हाथ साफ़ कर लीजिए, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आगे चल के गाड़ी परचेज़ करनी है, पर उन्हें क्योंकि फोर व्हीलर चलाने का कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं है, तो इस समय जो है वो आज क्योंकि फ्री हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं हाथ साफ़ कर लेता हूँ। हालांकि एक ड्राइवर लगाया है पापा ने जो आता है और कुछ टाइम इंटरवल के बाद इन्हें सिखाने के लिए, तो उससे सीख भी रहे हैं, और अभी इस समय वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए निकलेंगे। इस समय मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में आज मैंने बनाया है दाल चावल और सरसों की सब्ज़ी बनाऊंगी जिसमें भिंडी और आलू डलेगा। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, नॉर्मली इसमें आलू नहीं डालते हैं, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू पसंद है तो मैं आलू भी उसमें डाल देती हूँ। मेरी बेटी एक्चुअली आई तो थोड़ा अपने बाबा के साथ खेली, लेकिन उसके बाद ये सो गई थी। अभी सब पेट दर्द थोड़ा सा किया तो ये इस तरह सोती है। काफ़ी दिन हो गया है, काफ़ी दिन को के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। दरअसल मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है व्लॉग का। व्हेन यू डू समथिंग आपको उसका अगर अच्छा रिस्पांस मिले सो इट्स बेटर यू कंटिन्यू डूइंग दैट, और अगर ना मिले रिस्पांस तो वो काम बंद कर देना चाहिए। तो वीलॉग की केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीलॉग्स अब नहीं बनाऊंगी। मेरा चैनल जो बेसिकली प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, सो आई कंटिन्यू डूइंग दैट, बट वीलॉग्स अब बहुत कम आएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, हम आज जो है वो हॉस्पिटल से आए हैं। दरअसल सैटरडे नाइट को ना अचानक से लक्ष्मी को बहुत तेज़ दर्द होने लगा पेट में, और वैसे तो नॉर्मली उसको कुछ सेकंड्स के लिए होता था पेट दर्द, लेकिन जो सैटरडे नाइट को उसको हुआ तकरीबन 5 मिनट, मेरी बच्ची जो है वो बहुत ही दर्द में जूझ रही थी और वो मुझे टेंशन में डाल दिया, इसके पापा के पसीने छूट गए। तो मैंने डॉक्टर को व्हाट्सएप किया, बताया, तो डॉक्टर ने उसे जो ऑलरेडी दवा दिया है वही दो दवा डॉक्टर ने कहा इसको कंटिन्यू करो फिलहाल। तो संडे का दिन तो डॉक्टर बैठते नहीं हैं, कल का दिन तो कैसे कैसे निकल गया हमारा। हालांकि कल कंडीशन वॉज स्टेबल। आज के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मंडे को जाके जो भी टेस्ट डॉक्टर से कह देना, डॉक्टर जो भी टेस्ट कहता है वो सब करवा लेंगे। तो आज वही गए थे सारा टेस्ट करवाने के लिए। ये जो टेस्ट आज हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है,
ब्लड टेस्ट हुआ है और यूरिन का सैंपल लिया गया है। ये टेस्ट डॉक्टर पिछले एक साल पहले लिखा भी था डॉक्टर ने, अभी भी लिखा था बीच में, लेकिन डॉक्टर क्योंकि बहुत ही जानकार है इसके लिए डॉक्टर अवॉइड कर रहे थे, जानते थे इन सारे टेस्ट में अच्छा खासा खर्चा होगा, तो वो चाह रहे थे। हालांकि डॉक्टर टेस्ट सिर्फ इसलिए कराया है डॉक्टर ने ताकि हमारे मन को संतुष्टि मिल जाए। तो फाइनली टेस्ट करवा ही लिया, हालांकि डॉक्टर ने आज भी यही कहा कि इसे कॉन्स्टिपेशन का इशू राइट से स्टार्टिंग है और हो सकता है कि ये दवाई इसे लंबे समय तक चलानी पड़े, पर टेस्ट करा लेते हैं। डॉक्टर को हमने बताया कि जब तक मेडिसिन चलता है तब तक तो कंडीशन कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद होता है ना तो तकलीफ हो जाती है बच्चे को, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो अब रिपोर्ट जो है, दो चीज़ों का रिपोर्ट तो मिल गया, एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिल गया है और एक एक्सरे का रिपोर्ट मिल गया है। हाँ, एक्सरे भी हुआ है, तो एक्सरे का और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिल गया है और ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है और यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो हमको मिलेगा 15 तारीख को। कुछ रिपोर्ट आज शाम को भी आ जाएंगे, तो फाइनली 15 तारीख को जाकर सारे रिपोर्ट्स एक साथ डॉक्टर को हम दिखाएंगे। आज इसके पापा घर पर थे तो इसके पापा ने सोचा चलो हमारे साथ चलते हैं। तो बस यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची बस ठीक हो जाए। पिछले एक साल से इसको दर्द में मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा तकलीफ होती है मुझे, बाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। आज भी बहुत अच्छा खासा खर्च हो गया हमारा, तो प्रे फॉर अस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।